यहाँ पे ये जो हमारे इंस्टेंट मेदू वड़े हैं ये रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कैसे सॉफ्ट हो गए हैं ये देखिए। इसके साथ यहाँ पे मैंने हरी चटनी सर्व की है। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट में जब कुछ झटपट बनाना हो, इंस्टेंट बना के खाने का मन कर रहा हो, बाहर जाने के लिए टाइम नहीं है और आपको मेदू वड़ा खाने का मन कर रहा है, तो ये इंस्टेंट मेदू वड़ा जो मैंने आपको बताया है, तो रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगे। आज हम इंस्टेंट मेदू वड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पोहा लिया है 1/4 कप, इसको मैंने मिक्सर में क्रश किया है। इसी के साथ इसमें मैं ये सूजी डाल दूंगी 1 कप, और साथ ही मैं यहाँ पे दही डाल देंगे हम 1/2 कप। अब नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, जरूरत पड़ने पर ही हम इसमें पानी डाल देंगे। जो दही हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इस दही के साथ ही इस सूजी और पोहे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन दोनों चीजों को अच्छे से इस दही के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं ढककर एक साइड में रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस देख लेंगे कि इसमें हमें क्या क्या और डालना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से काट लेती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से सारी चीजें भीग गई हैं इस दही के साथ। ये चम्मच को जो लगा हुआ है ये मैं निकाल ले। अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का आलू उबाल के लिया हुआ है, इसे मैं यहाँ पे कद्दूकस करके इसको डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को कद्दूकस करके डाल दिया है। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ली है काट के, और अदरक था उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है, ये प्याज मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। मैंने ये बेकिंग सोडा लिया हुआ है, या खाने का सोडा भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये मैं एकदम एक चुटकी इसके अंदर डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे हाथ से ही मिक्स करना है, और जरूरत पड़ने पर ही इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं किया है। जो दही, सूजी, पोहे का जो भी हमने बुरादा लिया हुआ था, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, इन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया और ये एक आटे के जैसे फॉर्म हो गया है। हमें इससे पतला इसे नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो वड़े हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक लोई ले रही हूँ, ये देखिए। आप अभी इसे बनाते वक्त थोड़ा हाथ को पानी लगा सकते हो। बीच में इसे हम ऐसे होल कर देंगे, तो ये हमारा वड़ा जो है ये रेडी हो गया है। मैंने एक साइड पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल जो है वो हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आटा मैं इसके अंदर डाल के देख लेती हूँ। तो ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल भी लो रख दिया है, और लो फ्लेम पे ही हमें इन वड़ों को फ्राई कर लेना है। तो मैं इसके अंदर इसे डाल देती हूँ, और एक हम बना लेते हैं, इसे भी इसके अंदर छोड़ देती हूँ। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारे मेदू वड़े हैं इंस्टेंट जो मैंने अभी बनाए हैं, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे वड़े फ्राई कर लेती हूँ।